हे एवरी वन वेलकम बैक टू करमाराम आज हम लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जो कि लोग कहते हैं कि जैसे मेरे पास कुछ इक्वायरीज आती हैं और उन क्वायरीज में पूछा जाता है कि हमारी कंपैटिबिलिटी क्या है देखिए कंपैटिबिलिटी मैं चेक करती हूँ कहीं की एंटी होती है कहीं की टू तो बी ऑनेस्ट पॉजिटिव भी होती है बहुत अच्छी भी होती है बट केस ये है कि वहाँ पर वो लोग मैरिड होते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पर्सन आपको ये कह रहा है कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर आपसे मैरिज करेगा और वो पर्सन उस चीज़ को निभा भी रहा है देखिए कोई भी चीज़ आपको एक्शंस में दिखाई दे जाती है अगर उनका जो है रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और उसके बाद आपको ये एक होप दे रखी है कि हम जो है हम दोनों शादी करने वाले हैं मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ तो टू तो बी तो ओनेस्ट वो आपको पागल बना रहा है ठीक है क्योंकि अगर वो अपनी मैरिड लाइफ पर इंजॉय कर रहा है आपको उदास होकर दिखा सकता है बट यू नो फीमेल जो है थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होती हैं तो आपको मे बी ऐसा हो सकता है कि बेचारा बन के दिखाए बट अगर वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पा रहा है तो इट मीनस ये है कि आपके साथ टाइम पास है अदरवाइज छोड़ना इतना मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं है और दोनों तरफ से ही इन्वॉलमेंट होती है फर्स्ट दोनों तरफ से होते हैं ठीक है थीके? तो आप अब किसी भी लाइफ में थर्ड पार्टी ना बने अगर आप थर्ड पार्टी बन जाते हैं तो वो आपके लिए टफ हो जाता है आई एम रियली सॉरी टू से बट आपके लिए टफ हो जाएगा क्योंकि हर जगह बदनामी आपकी होगी ठीक है हस्बैंड वाइफ का कुछ नहीं बदला होगा जैसे एक ने कहा कि मैम उसने अपनी वाइफ को डांट लगाई थी काफ़ी भला बुरा बोला था बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे तो डालिंग वो एलिगेशंस तो लगा देंगे लेकिन कहीं ना कहीं उस वाइफ का नाम उससे जुड़ा हुआ है तो एलिगेशन किस पर लगाएंगे उस वाइफ की इज्जत खराब नहीं होगी इज्जत वो अपनी खराब कर रहा है और कहते हैं कि फलानी की बहू तो फलाना तो वो फलानी की इज्जत खराब हो रही है ठीक है और फलानी खानदान में बही गई है तो यानी कि वो फलाना खानदान खराब हो रहा है ठीक है तो यानी कि कोई भी पर्सन इतना बेवकूफ नहीं होता जो अपने खानदान पे ही ब्लेम लगाए अपने खानदान को ही खराब करे ठीक है ये एक स्ट्रेटजीज़ होती हैं कुछ एक कहानियां होती हैं कुछ एक बस ऐसे ही होता है क्रिएट करके दिखाने का ठीक है और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर आपको किसी से भी शादी करनी है कुछ भी करना है करें बट अगर ये सच में आप अपनी वाइफ को आप जो है सबके सामने जलील कर रहे हैं इंसल्ट कर रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं तो वो भी किसी और के लिए तो देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत लंबा टाइम आपको दिया होगा ठीक है वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना रिश्ता निभाया होगा किसी और के लिए उनको जलील करना इज़ नॉट द राइट थिंक आई थिंक अगर आपको वो नहीं सहन हो रही है तो आप उसको छोड़ दें लेट गो करें आप कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उनको फुलफिल करें और आप अपनी आगे की लाइफ को इंजॉय करें सिंपल सी बात है और अपनी वाइफ को भी इस लायक छोड़ें कि वो अपनी लाइफ को एक नई सीरीज से शुरू कर पाए ठीक है किसी को जलील करके निकालना और उसके बाद आप चाह रहे हो कि आप जिससे शादी करना चाहो करो तो कर्मा रिटर्न्स हमेशा कहती हूं मैं जो कर्मा है वो लौट कर आता है आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो आप कुछ भी कर रहे हो कर्मा हमेशा लौट कर आता है वो आप चाहे अपने काम काज में देख लेना अपने घर में देख लेना कहीं पर भी देख लेना या अपनी इवन दो सोकोड रिलेशन में भी देख लेना कर्मा हमेशा रिटर्न आता है ठीक है और कहते हैं कि भगवान की लाठी में देर हो सकती है पढ़ती जरूर है ठीक है तो कोई भी रिलेशन शुरू करना है आप करें आप अच्छे से खुल के जिए बट उसके लिए किसी और को खत्म करना ये आपकी मानसिकता को सुधारना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहां पर लोग अपनी वाइफ को जो है तरह तरह के प्रेम लगाते हैं बच्चों को पीटते हैं पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं ठीक है इतने एलिगेशन लगा के आप चाहते हैं कि वो आपको छोड़ के चले जाएगी नहीं अगर आप उसको घुटनों पर लाना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो भी आपको घुटनों पर ला देगी ट्रस्ट में किसी को छोड़ने के लिए अगर आप बुरा बन रहे हैं तो उसको भी बुरे बनने में देर नहीं लगेगी तो बेटर है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दें तरीके बहुत सारे हैं सही तरीका चुनें गलत तरीका पूरे खानदान को ख़राब कर देता है ऐसा ना करें टेक केयर ब्लेस्ड एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी को हार्ट कर गई मेरी बात किसी को पिंच कर गई मेरी बात ठीक है बट सही तरीका और गलत तरीका दोनों तरीकों में बहुत फ़र्क होता है बात होती है परवरिश की आप की परवरिश किस खानदान में हुई है आपको सिर्फ वो शो करनी है, ठीक है